देश भर में आज अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को कुबेर देवता का प्रतीक माना गया है, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये दिन भगवान कुबेर के नाम पर सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के कारण देश भर में लोग जमकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। सोने की दुकानें तरह तरह के आभूषण से भरी हुई है, जिसके कारण दुकानों की रौनक दुगुनी हो गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर गुजरात के अहमदाबाद में सोना खरीदने को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं दुकानों में तरह तरह के डिजाइन वाले सोने और चांदी के आभूषण देखने को मिले, जो खरीदारों को खूब पसंद आ रहे हैं। अक्षय तृतीया हिंदू पर भी बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन अक्षय मतलब कभी खत्म न होने वाला। इस दिन हम लोग सोने की और शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। बात करें गुजरात के राजकोट की, तो यहाँ भी लोग अक्षय तृतीया को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ भी सोने और चांदी के दुकानों की रौनक ये बयां कर रही है कि लोग आज के दिन आभूषणों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। सोने और चांदी के अलावा हीरे के आभूषणों को भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। आज अक्षय तृतीया है और आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, स्पेशली सोने लेने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि आज राजकोट में बहुत सारी भीड़ रहती है और स्पेशली यहाँ पे इसकी डिजाइन और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल तो देख रही हूँ क्या लूँ क्या ना लूँ। वैसे राजकोट की ज्वेलरी जो है वो वर्ल्ड फेमस है और आज का दिन तो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है सोना लेने के लिए, तो बस अभी देखते क्या लेते हैं क्या नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अक्षय तृतीया पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। दुकानें सोने और चांदी के आभूषणों से सजी हुई है। लोग यहां अपने मनपसंद आभूषण खरीद रहे हैं। हम आज अक्षय तृतीया के दिन मैंने तो अपने दोनों बच्चों के कान छिदवाए हैं। कहते हैं कि इस दिन जो करते हैं वो बहुत शुभ होता है, तो इसलिए हमने आज के दिन अपने बच्चों के कान छिदवाने के लिए आए। हमने उनके इयररिंग्स लिए और उनके कान छिदवाए। बात चाहे राजस्थान की हो या गुजरात की, अक्षय तृतीया पर देश के हर कोने में लोग सोने और चांदी के आभूषण खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं, ताकि उनके घर में भरपूर समृद्धि आए।